जय हिंद जय भारत। तो साथियों आ गई है एक और न्यू वैकेंसी जो कि आपके साथ शेयर करने वाला हूं। पूरी जानकारी के साथ समझाऊंगा, आप ये मत सोचना कि ये क्या लिख रखा है, पता नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, जो पिछली वीडियो में समझाया है ना मैंने, ऐसा ही मैं इस वीडियो में भी समझाऊंगा। तो आइए साथियों, मैं मिस्टर बाबू आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ बानसूर रोजगार में। तो चलिए साथियों करते हैं शुरुआत कि आपके लिए कौन सी नई भर्ती आई है। दोस्तों देखिए, होम गार्ड भर्ती 2023, होम गार्ड की भर्ती है साथियों। मौके से जाना नहीं चाहिए, ये मौका है आपके पास बस, ठीक है। चलिए किसके है भाई, गृह रक्षा के लिए। होम गार्ड किसके लिए चाहिए, गृह रक्षा के लिए चाहिए भाई, फटाफट से लेके आओ, ठीक है। अब ये भर्ती कहाँ पे है, झारखंड में है। कहाँ पे है साथियों, झारखंड में है, झारखंड में बोकारो जिला में, समझ रहे होगे, पूरी बाकायदे डिटेल समझाऊंगा। बोकारो जिला में है, बोकारो जिला में ये है मोस्ट सूचना, इसको आपको समझना होगा पहले, उसके बाद आप ये फॉर्म अप्लाई करना, समझ रहे हो। पहले ये मोस्ट सूचना सोच लो, देख लो क्या है ये। पहली सूचना की ओर चलते हैं, कौन कौन आवेदन करेंगे, ठीक है। दूसरी जो सूचना है फिजिकल, वो फिजिकल परीक्षा कब होगी, समझ रहे हो। तीसरी जो सूचना है फिजिकल परीक्षा कहाँ होगी। चौथी जो सूचना है वो है मेडिकल कब होगा। यहां तक की क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म होंगे आपके, ऑनलाइन भरे जाएंगे और भर रहे हैं, भरे नहीं जाएंगे, भर रहे हैं। आप देरी में हो, जल्दी करो काम। आवेदन शुरू कब से हो रहे हैं साथियों, 29 मई से आवेदन शुरू हो रहे हैं, फॉर्म भरे जा रहे हैं 29 मई से। लास्ट डेट कितनी है, 12 जून तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद फॉर्म बंद हो जाएंगे। बस फिर मत कहना कि सर ये तो बंद हो गए, भर दो भाई अभी तुरंत। पदों की बात कर ले, पद कितने हैं, 553 पद हैं। कितने पद हैं, 553, बहुत ही मस्त पद है। आयु की बात कर लो भाई, कितने आयु तक के भर सकते हैं, 19 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के भर सकते हैं। अगर आप 18 वर्ष के हो तो नहीं भरा जाएगा, अगर आप 41 वर्ष के हो तो नहीं भरा जाएगा, मत कहना फिर मुझे, ठीक है। अब हम चलते हैं मेन मुद्दे पर, ठीक है। कहाँ पे चलेंगे, चलिए कौन कौन आवेदन करेंगे, मैंने बता दिया है ना सारी डिटेल यहाँ तक की। चलिए अब इसकी सूचना देखते हैं भाई, क्या सूचना लेकर आया है। चलिए कौन कौन आवेदन करेंगे, सर मैं आवेदन कर सकता हूँ क्या, मैं ये कर सकता हूँ क्या, भाई अब देख लो फिर बाद में मत कहना, ठीक है। केवल झारखंड राज्य की, कहाँ के, केवल झारखंड राज्य के करेंगे, चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, चाहे गांव से हो चाहे शहर से हो, बस झारखंड राज्य की, और अदर कोई नहीं कर सकता, मात्र झारखंड राज्य की। चलो जी झारखंड आलो, देख लो फिजिकल परीक्षा कब होगी, देख लो भाई 30 जून 2023 से लेकर 10 जुलाई 2023 तक आपका फिजिकल होगा, परीक्षा होगी, समझ रहे हो। 30 जून से 10 जुलाई बहुत काफी टाइम है। तीसरा मोस्ट सूचना देखते हैं, फिजिकल परीक्षा कहाँ होगी भाई, कहाँ जाएं हम फिजिकल देने के लिए, परीक्षा देने के लिए, तो आ जाओ भाई देख लो, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम सेक्टर नंबर 4, आपको यहां पे जाना है फिजिकल देने के लिए और परीक्षा देने के लिए, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम सेक्टर नंबर 4। आइए जी मेडिकल कब होगा सर, बताइए फटाफट से, देख लो 13 जुलाई से 15 जुलाई तक आपका मेडिकल होगा। कब तक होगा, 13 जुलाई से 15 जुलाई तक आपका मेडिकल होगा। चलिए आगे देख लेते हैं, नोट देख लो, ये नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है नोट। चलिए देखिए नोट को, झारखंड के बोकारो जिले का निवासी होना चाहिए, मैंने बताया है झारखंड का ही होना चाहिए, अदर राज्य का नहीं होना चाहिए। तो झारखंड के बोकारो जिले का निवासी होना चाहिए, चाहे आप गांव से भरो या शहर से भरो, ठीक है, गांव शहर इसमें कोई मतलब नहीं है, कहां से भी भरो चाहिए, बस झारखंड राज्य का होना चाहिए।
अब बात हम ये कर लेते हैं सर, योग्यता तो बता दो, कितना पढ़ा लिखा भर सकते हैं हम। आइए जी, देखिए जी, अगर गांव वाले हैं तो भाई 7वीं पास, ठीक है, शहर वाले हैं तो 10वीं पास। अब शहर वालों से 10वीं पास क्यों मंगा रहे हैं भाई, क्यों मतलब योग्यता मांग रहे हैं भाई? शहर वाले पढ़े लिखे होते हैं, गांव वाले थोड़े कम पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है। शहर वालों का इतना मतलब थोड़ी हेल्थ हुल्थ कम रहती है ना, जो जॉगिंग करते रहते हैं सुबह शाम। गांव वाले आड़ू लोग होते हैं, जो वैसे सीना चेस्ट बनी रहती है इनकी, तो बॉडी बिल्डर होते हैं, ठीक है। तो समझ गए होंगे भाई, गांव वाले 7वीं पास और शहर वाले 10वीं पास। अब सर बता दीजिए ना, चयन कैसे होगा इसमें? चयन बता दिया हूं मैं, देखिए 7वीं पास 10वीं पास, एग्जाम होगा, फिजिकल होगा और मेडिकल होगा, काम फ्री भाई, लग गई, सारा सुलझेड़ा हो गया भाई आज की वीडियो में। बता दो कोई रह गया हो तो, हैं, कमेंट करके बता देना अगर कोई भी डाउट हो इस भर्ती में आपको, ठीक है। तो आपको आशा करता हूं मैं बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी, कोई चीज तो नहीं रह गई भाई? नहीं रही, नहीं रही, हर चीज समझा दिया हूं बिल्कुल आसानी से, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आ गया तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भारत में जितने भी भर्तियां निकलती है ना, जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं, रोजाना आते रहते हैं, वो आपके साथ शेयर करता रहता हूं मैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।